पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज के लीगल पोजीशन इस फ्रैक्शनल ओनरशिप की क्या है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, बाइंग एंड इनहेरिटेंस। सो लीगल पोजीशन जो है ना इसकी, मैंने जिस तरह अपनी टोकनाइजेशन की एग्जांपल में एक्सप्लेन की, चाहे आप घर लो, चाहे आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लो जो एक बनी बनती हुई बिल्डिंग है और उसके अंदर आपने सिर्फ एक डाउन पेमेंट की है, चाहे आप एक फाइल खरीदो ऑन अ लैंड जहां पे अभी प्लॉट्स बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, यू डोंट नो वेयर दैट फाइल इज एंड वेयर दैट प्लॉट इज, आप एरिया राइट्स ले लो। वो एरिया राइट्स क्या है, वो डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करते हैं। सो एग्जाम्पल वुड बी कि यार आपने अगर एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर अपनी डाउन पेमेंट की है, तो आपके एरिया राइट्स ये होंगे बेसिकली कि आप जब भी ये अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करोगे, यू विल पोजेस दिस यूनिट। ये यूनिट पोजेस करने के बाद यू विल गेट रेंट आउट ऑफ इट, वो राइट भी आपके पास है। इसकी ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर होगी, वो राइट भी आपके पास है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसी तरह जब आप कुछ स्क्वायर फीट्स भी लेते हो, तो आप उस डेवलपर के साथ एक एरिया राइट्स का एग्रीमेंट तय कर रहे हो। अगर वो एक पूरा यूनिट है, तो आपके लिए पोजेशन भी अनलॉक होगी, रेंट भी मिलेगा आपको, आप उसको बेच भी सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग एक्वायर भी कर सकते हैं व्हाटसोएवर।